हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हाल चाल ने? आई होप के तुम सारे ठीक होंगे, खुश होंगे, या फैमिली के नाल हंसते खेडते रहोंगे। इदा ही हंसते खेडते रहा करो दोस्तों। मैं तुहाडा हनी अज एक नवे ब्लॉग दे विच तुहाडा स्वागत करदा। ते बस हुणे उठे सीगे, थोड़ा टाइम ही होया, अज थोड़े लेट हो गए। तैनूं पता ठंड करके डेली लेट ही हो जाने आ। ते बस उठ के मैं पशु कढ के आया बाहर, मम्मी तारा कढ़दे सीगे, ते मैं बस हुण आ के दोबारा फिर मैं रजाई च वड़ गया। ठंड बहुत हो बई, बच के रहो ठंड तों। बस आ महीना क होर आ, बड़ा संकोच करो बाहर अंदर जाण तों। आपदा ध्यान रख्या करो, ठंड बहुत ज़्यादा है वीरे। क्योंकि जिहड़ी ठा ये पोह माघ दी ठंड है ना, ये बंदे नूं लग जे तां औखा बहुत करदी है। तो इस करके मैं सारे यही रह देना चाहना कि आपदा बच कम करो, जिन्ना क नहीं सरदा कोई नहीं, कम तो सारी जिंदगी करते रहना आपां। तो थोड़ा संकोच रखो आपदा, बच के रहो ठंड तो। गर्म एक गर्मी तो गर्मी लगी हुई बंदा बच सकता, ठंड लगी हुई बंदे का बहुत बुरा हाल होंदा। जो छाती जाम हो जाती ना रात में, सह ही नहीं आता पे बेड पर। क्योंकि मैनू थोड़ी जी प्रॉब्लम है, वो हैगी ठंड तो। मैनू वैसे ठंड हूँ मैं मानता घट हाँ, पर जो ठंड लग जाए या ठंड के बच्चे आके मेरी छाती थोड़ी जाम जी रहन लग पी है। तो वैसे हम एडी नहीं प्रॉब्लम कोई ज़्यादा खास, तो बस थोड़ी प्रॉब्लम हैगी है भी मैनू छाती मेरी जाम हो जाती है, मतलब कि थोड़ी सारा खिंच के लेना पैंता। मैं तो आई हूँ, तुम भी बचो ठंड। ठंड लग गई बंदे, ये बंदा काम ही लग गया। कोई रिस्पांस नहीं आया। लो जी, तड़के तड़के गालों की बुछार हो चुकी है स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, आप अपना काम कर दें जाके। अपना काम काफ़ी पिया, मैं हुने हुने भांडे बाहर रखे सारे धोने लिए, कि हम तो ठंडे पानी हाथ नहीं मारना, तो मम्मी करनगे। चलिए अब रसोई में दिखाती हूँ मेरा कौन कौन सा काम पड़ा है। मोस्टली आटा गूंदने वाला है, सब्जी तलने वाली है, और वहाँ पर तड़का है। हम तीनों काम एक साथ करेंगे, इंजॉय करिए। इधर हम आप आटा गूंदने की तैयारी कर रहे हैं, बस शाम तक लिया बस गूंदे हैं। इधर पानी गर्म करना धरता है, मूंगी की दाल धर रहे आप। इधर तड़का तीनों काम साथ साथ करेंगे, बेस्ट। वह साड़ी हरप्रीत कौर माण, तुहानू तो पता ही है, यह एक बहुत वधिया राइटर भी है, लिखती है। लिखन का मतलब ये नहीं कि जो भी जो बंदा होवे, मतलब कि राइटर उही हुंदा जो बंदा आपदा काम कर सीखे, ठीक है, जां कि गाने देवे जां स्क्रिप्ट लिख के देवे, वो बंदे नूं आपां राइटर ही कहने जिहड़ा बंदा सोच के गल्लां लिखदा। ये हरप्रीत आ, तुहानूं पता ही आ, तुहाडे भरा दी वाइफ। ये मतलब कि लिखदी आ, लिखण दा मतलब कि यह कदे इहदे मन दे विच कोई गाना आ गया है ना, उहदियां कोई चार लाइनां लिखतियां, फिर चार लिखतियां, तुरी फिरदी काम करती रहती है। जो कोई गाना आ जाए जां कोई होर जिहड़ी भी चीज़ आ जाए, कोई कहानी आ जाए, तो एक पहला थोनों पता ही है, आप एक कहानी पाई सी थोड़ा दिन पहला, किसी दी उंगलां ते बंदा लग के आदा नुकसान करा लेंदा, वह भी हरप्रीत ने लिखी सी। तो बस एक दो दिनों के थोनों होर भी एक दो कहानियां देखने मिलनियाँ। थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि अजे थानू पता तुहाडा भरा दा चैनल है इन्ना ग्रो नहीं किया, कोई नहीं, तुहाडा साथ चाहिए, तुहाडा प्यार चाहिए, चैनल दा ग्रो हो जूगा, तुसी करना, तुहाडे सिर ते असी कम शुरू किया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपदे भरा ते आपदी छोटी भैन हरप्रीत कौर जो है, उन्हूं सपोर्ट करया करो वध तो वध। इन्हें हुण एक गाना लिखिया सुनाउणे तुहानू, ते दस्सिओ किवें चंगा लग्या कि
नहीं दस्या भी हरप्रीत का राइटर मतलब कि जो ये मन के आँदी चार लाइना पाँच लाइना जो भी मन आ लिख दी है। तो अज मैं वैसे सुनता रहना हरप्रीत तो हरप्रीत कोई गाना सुना दे जा मैं विला बैठा हुआ फोन में वेखन ना मन करे ये को बहुत कुछ लिखा कोई स्टैक है मतलब कि गाने है जा कोई होर कोई चीज़ा ने यह लिखती रही है थोड़ी थोड़ी। तो अज आप मैं कहा कि मैं कहती नहीं नहीं मैं नहीं सुना पता नहीं किसी पसंद आऊ मैं कोई गल नहीं पसंद अपनी सारे फैमिली अपनी ठीक है कोई अपने भरा भैन कोई माँ प्यो है ना आज आप सुनते हरप्रीत तो गाना। हाँ जी जो अपना यह गीत हैगा ये हैगा प्यो धी दे रिश्ते दे मेरे जीवन संबंधित यदियाँ कुछ लैं आप सुनने थानू 9 साल बाद मैं कुखों जन्म लिया सी बापू मेरे ने रब दा शुक्र करिया सी डॉक्टर कहंदे बापू नू है ती होइया बापू कहंदा मेरे ता है भाग खुल गया लाडा नाल पालिया मेरे मापिया ने मैनू इज्जतां नू मैं भी ना कोई दाग लाऊंगी। आ सी गाना कोई थोड़ा जहा ही वैसे लिखा सी इन्हें हाय पूरा करने वाला रहिंदा चार क लैणा सी जिहड़ियां तुहानूं तुहाडे सामने शेयर करतियां सुनातियां। तो प्लीज़ दस्यो सारे किवें लग्या गाना आपके भरा सपोर्ट कराया करो वीरे थोड़े सिर पर चैनल शुरू किया ठीक है। आप रोटी पका लगते हैं तो इधर तारा चल रही ने गए तारा चून आप रोटी पकाने। हाँ जी दोस्तों अज के ब्लॉग में आप कोई खास दिन चर्चा नहीं दिखाई मतलब डेली रूटीन के जो काम करते हैं कोशिश करा एक दो दिन थोड़े कुछ स्पैशल लेके आइए कल वास्ते जरूर अस एक स्पैशल कहानी कह सकते हैं या निका जहा छोटा नाटक जो तुम आप जरूर समझोगे वो स्क्रिप्ट जी लेके आवेंगे वो जरूर देखियो अज उसकी तैयारी करने में अभी थोड़ा बिजी रहे इस करके ब्लॉग इन्ना अभी बनाया नहीं गा। तो बाकी अज असी अपने ब्लॉग मेरे लिखे हुए जो भी कवितावान शब्द उन्होंने बारे चर्चा की जरा प्लीज़ सपोर्ट करया करो मैनू। तो अज का ब्लॉग तो आप इतने एंड करते हैं हम तो रियली इंट्रस्टिंग चीज़ा देखने मिलेंगे बाय बाय।